गजब। और टाइमर चालू होते ही दोनों लोग अंडे पर जुट गए हैं और देखना है। ओहो, मतलब सबसे पहले अंडा ही खाना चालू कर दिए, तो अंडा पूरा खत्म करके मानेंगे। बहुत बढ़िया, देखते हैं कितने समय में कंप्लीट करके 500 रुपए का राशि लेकर के जाते हैं कौन। बहुत गजब। और देखना है कि जो सबसे पहले इस थाली को कंप्लीट करेगा वो पाएगा 500 रुपए का नगद पुरस्कार। तो देखना है कि 500 रुपए किसके जेब में जाता है। फूलचंद के अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सामने प्लेट में अंडा करी और चावल लगा हुआ है। मतलब आज जो चैलेंज होने चल रहा है, अंडा करी और चावल खाने का चैलेंज होने चल रहा है। यह चैलेंज कैसे लगेगा, आइए पवन जी से मिलकर बात करते हैं। अमेजिंग इलाहाबादी यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुंभकर्ण थाली, अंडा करी और चावल लगा हुआ है। आज हमारा अंडा करी चावल ईटिंग चैलेंज है और इस चैलेंज में प्रमोद जी और फूलचंद जी दो चैलेंजर बैठ चुके हैं। देखते हैं दोनों चैलेंजरों में फर्स्ट कौन आता है, कौन 500 रुपए की राशि लेकर के जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अंडा करी चावल के इस चैलेंज में दो योद्धा बैठ चुके हैं, एक तरफ है फूलचंद और एक तरफ है प्रमोद। तो देखना है कि सबसे पहले इस थाली को खाली करके विजय अपने नाम कौन करता है। देर न करते हुए हम चाहेंगे कि टाइमर को चालू कर दिया जाए। भैया गजब। और टाइमर चालू होते ही दोनों लोग अंडे पर जुट गए हैं और देखना है। ओहो, मतलब सबसे पहले अंडा ही खाना चालू कर दिए, तो अंडा पूरा खत्म करके मानेंगे। बहुत बढ़िया, देखते हैं कितने समय में कंप्लीट करके 500 रुपए का राशि लेकर के जाते हैं कौन। बहुत गजब। और देखना है कि जो सबसे पहले इस थाली को कंप्लीट करेगा वो पाएगा 500 रुपए का नगद। ग्रेवी का इस्तेमाल करते रहिए, नहीं तो बाद में ग्रेवी से फंस जाएंगे, क्योंकि सलाद से लेकर ग्रेवी तक पूरी तरह से इस थाली को खाली करना है। तो जो सबसे पहले इस थाली को खाली करेगा वही इनाम की राशि पाएगा। तो दोनों लोग मंजिल की ओर भाग रहे हैं और प्रमोद जी पूरी तरह से अंडे को मसल रहे हैं, सोच रहे हैं कि यही एक ब्रेकर है तो इस ब्रेकर को ही पहले ही हटा दिया जाए। और चावल को भी ब्रेकर बना रहे हैं अंडा मसल के, हमको लग रहा है। बात कर जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। फुर्ती से, बहुत ही तेजी से, बहुत ही शक्ति से इस चैलेंज को अंजाम दे रहे हैं दोनों चैलेंजर। तो देखना है कि सबसे पहले मंजिल पर कौन पहुंचता है, प्रमोद या फूलचंद। जो सबसे पहले मंजिल पर पहुंचेगा 500 रुपए का इनाम इंतजार कर रहा है उसके जेब में जाने के लिए। और दोनों ही चैलेंजर बहुत फुर्ती से चैलेंज में उतरे हुए हैं। देखते हैं कितने साहस दिखाते हैं और कितने समय में इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं। बहुत गजब तरीके, बहुत बढ़िया समय जुटे हुए हैं। और फूलचंद जी तो बहुत हाई वोल्टेज वाली बाइक, और प्रमोद जी आज गर्दा उड़ा देंगे फूलचंद जी का, क्योंकि जिस पावर जो फुर्ती लाए हैं आज चैलेंज में वो देखने लायक है, क्योंकि और प्रमोद जी जो फुर्ती वास्तव में लगा रहे हैं इस फुर्ती के आगे हो सकता है कि फूलचंद पीछे हो ना हो जाए, लेकिन फूलचंद जी जो एक्सल पावर लगा दिए हैं हो सकता है प्रमोद जी उस एक्सल पावर की स्पीड को ना पकड़ पाए। और यही कारण होता है जब फूलचंद जी एक्सल पावर लगा देते हैं तो उस एक्सल पावर को बंद नहीं करते हैं और सामने वाला चैलेंजर धोखे में हार जाता है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज प्रमोद जी हारने वाले नहीं है। आज अलर्ट, पूरे अलर्ट बैठे हैं, फुल अलार्म ऑन करके बैठे हैं, क्योंकि जैसे ही इंडिकेटर होगा उससे पहले प्रमोद जी आज टूट पड़ेंगे चैलेंज में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और दोनों लोग बहुत ही गजब तरीके से बढ़त बनाकर चल रहे हैं। इस समय प्रमोद जी लगभग काफी हद तक का बढ़त बना चुके हैं और फूलचंद जी भी कम नहीं है, वो भी काफी हद तक का स्पीड लगाकर इस समय चैलेंज में बैठ चुके हैं और सोच रहे हैं कि बिना प्रमोद को हराए मानेंगे नहीं। और प्रमोद भी सोच रहे हैं कि आज बिना इनाम लेकर गए संतुष्टि नहीं होगी और आज फायर कर पाते हैं नहीं फायरचंद जी, और हमको नहीं लग रहा आज फायर कर पाएंगे, क्योंकि प्रमोद जी आज फुल फॉर्म में हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है, और यही फॉर्म चाहिए होता है चैलेंजरों को। अंडा जो फूलचंद जी के थाली में हाँ। यही प्लस है और लगभग चावल सेम है, लेकिन दो अंडे से ही आदमी फंसता है। हो सकता है अंडे को पूरी तरह से चावल में मसल दे। तो देखना है कि क्या ट्रिक लगाते हैं फूलचंद जी प्रमोद जी को हराने के लिए, और प्रमोद जी कौन सी ट्रिक लगाते हैं फूलचंद जी को हराने के लिए। तो देखना है कि 500 रुपए का नगद पुरस्कार किसके जेब में जाएगा, फूलचंद जी के या फिर प्रमोद जी के। और हमको लग रहा है 80% प्रमोद जी आज विन करेंगे। बहुत गजब। और प्रमोद जी पूरी तरह से जितने भी चावल बचे थे ग्रेवी में मिला चुके हैं और यहाँ पर बढ़त भी बनाए हुए हैं। तो और फूलचंद जी भी अब एक्सीलेटर पावर में आए हैं, देखते हैं उस एक्सीलेटर पावर को बरकरार कर पाते हैं नहीं। बहुत गजब। अभी फूलचंद जी के थाली में जो सलाद है उस सलाद को भी लेकर चलेंगे या नहीं चलेंगे देखना है। और पूरी तरह से प्रमोद नहीं, सलाद को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। फूलचंद जी पूरी तरह से बहुत गजब तरीके से मिक्स कर लिए हैं और इस चावल और ग्रेवी मिक्सर में देखना है कि क्या कमाल निकलता है।
जीत किसकी तरफ और प्रमोद जी जब से स्टार्ट हुए नॉन स्टॉप लगे हुए हैं, आज चैलेंज में साबित कर देंगे कि कुंभकर्ण थाली को हम 5 मिनट के अंदर ही खाली कर देंगे। बहुत गजब तरीके से जो प्रमोद जी फुर्ती लगाए हैं, बहुत ही गजब तरीका लगाए हैं, तो देखना है इस फुर्ती के साथ क्या कमाल करते हैं प्रमोद जी और एक्सीलेटर के साथ क्या कमाल करते हैं। और प्रमोद जी फूलचंद जी को देख करके फूलचंद जी के उसपे तर्ज खा रहे हमको लग रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है और यही फुर्ती चाहिए होती चैलेंजरों को जीतने के लिए। और आज गर्दा गर्दा उड़ा दिए हैं बिल्कुल। और फूलचंद जी मुस्कुरा के खा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कुछ ट्रिक लगाने वाले हैं, लेकिन प्रमोद जी फूलचंद जी से 2-3 बाइक आगे निकल चुके हैं, तो देखना है कि ये 2-3 बाइक कवर कर लेते हैं नहीं फूलचंद जी। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश है। और प्रमोद जी सोच रहे आखिरी बाइट हो, लेकिन आखिरी बाइट में भी आखिरी बाइट निकल आ रही है। बहुत गजब, बहुत बढ़िया। रही लास्ट बाइट प्रमोद जी की, जो कि 500 रुपए वाली बाइट है और नहीं लेना चाहते हैं, फिर से बाइट बना लिए और बहुत बढ़िया प्रमोद जी बहुत गजब तरीके से जीत हासिल कर लिए है और 4 मिनट 48 सेकंड में कम्प्लीट कर लिए है। तो फूलचंद जी देखते हैं कम्प्लीट कर पाएंगे नहीं 5 मिनट के अंदर, और 5 मिनट हो चुका है फूलचंद जी, तो देखना है कितने पीछे रह गए, कितने सेकंड पे ये कंप्लीट करते हैं आज फूलचंद जी। कोई दिक्कत नहीं, आराम से खाने दीजिए फूलचंद जी को। कुंभकर्ण थाली अंडा करी चावल ईटिंग चैलेंज में प्रमोद जी विनर हो चुके हैं, तो प्रमोद जी का धन्यवाद करते हुए इनाम की राशि कैश दे रहे हैं। और फूलचंद जी क्या आवाज आ रही कि आप पीछे रह गए थोड़ा सा, नाक पर चढ़ गया। हाँ, मतलब जो चावल था वो चढ़ गया ऊपर, तो रास्ता बदल दिया, इस वजह से फूलचंद जी पीछे रह गए। तो आपको यह चैलेंज कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। तो अंडा करी चावल तो बहुत बढ़िया पड़ा इसके, और ज्यादा ज्यादा फुर्ती लगा दिए, मतलब जहाँ से खाने तो वहां से नहीं किसी और जगह से खींच दिए, इस वजह से थोड़ा सा रास्ता जाम हो गया, इस वजह से पीछे रह गए। तो फूलचंद जी आए, हौसला दिखाए, फूलचंद जी का धन्यवाद करते हैं और प्रमोद जी की नाम की राशि कैश देते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अंडा करी चावल के चैलेंज में दो योद्धा थे, एक तरफ से फूलचंद और एक तरफ से प्रमोद। फूलचंद ने बहुत गजब की कोशिश दिखाई थी शुरू में, जो एक्सीलेटर लगाया था बहुत गजब एक्सीलेटर लगाए थे, लेकिन एंड मौके पे थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया और उसका फायदा उठा लिए प्रमोद जी। जबकि प्रमोद जी भी जो फुर्ती दिखाए थे, जो चालू किए थे शुरू से, वो फुर्ती छोड़े नहीं और वही कमाल इनके जीत के रूप में मिला है। तो प्रमोद जी आपको यह चैलेंज कैसा लगा? चैलेंज बहुत अच्छा लगा। तो अंडा करी चावल बहुत टेस्ट बना था। तो फूलचंद जी को हरा के आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मिल गया भैया, मिल गया। तो आज वाकई में जब से प्रमोद जी चैलेंज में स्टार्ट किए और बिल्कुल गर्दा गर्दा उड़ा दिए, तो इसी तरह से आप लोग चैलेंज में हौसला अपना दिखाते रहे और चैलेंज में जीत हासिल करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।